कुछ सालों पहले तक दुनिया के रसदार अपने शौक के लिए बड़ी ही दरिंदगी से टाइगर्स का शिकार कर उसे महलों में सजावट की वस्तु बनाना बड़े ही गौरव की बात समझते थे। ये कहानी है ऐसे ही एक टाइगर की, जिसकी अद्भुत चतुराई, बिजली से फूर्ती और बेमिसाल ताकत के सामने दर्जन भर हाथियों का झुंड भी घुटने टेक देता था। लोगों का मानना था कि माउंट एवलॉन का वो टाइगर किंग दुनिया का सबसे विशाल और खूंखार टाइगर है, जिसे मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का बस एक ही मकसद है, उस पहाड़ों के राजा टाइगर किंग को पकड़ना, जिसके बारे में यह मानना था कि वो टाइगर शायद इस दुनिया का ही नहीं है। बाबूजी, मैंने उसे मार दिया। तुमने तो सीधा उसके सिर में मारा। चलो आ। हाँ पूजा प्रूफ कर बेटी जी, बेटी सब ठीक से So, 저기 집에 우리 집 보이지? 여기가 우리 집. आपके लिए ये खाना है। नहीं, इसे तुम ही रख लो। डोंग और ली मथाई तो खाना लाएंगे ही ना, मुझे बस पानी की थैली दे दो। लेकिन खाने की दिक्कत तो उनके यहाँ भी है ना, ये आप साथ लेते जाइए। अगर इसे मैं ले गया तो तुम लोग क्या खाओगे? हाँ, तुम लोग क्या पत्ते खाओगे? रख लो, तुम और सेव खा लेना। पर सुनिए तो। अरे जाने भी दो, इस बार पक्का कोई अच्छा खासा तगड़ा शिकार पकड़ के लाऊंगा मैं, बस मुझ पर यकीन रखो। सोगिया बजे अच्छा ओयो थ्रुका बाबूजी।
सर, नॉर्थ कोरिया से आपके लिए खास भेंट आई है, अगर आपकी इजाजत हो तो। खोलो इसे। ये तो बड़े ही तुच्छ और छोटी प्रजाति के टाइगर्स हैं। इन्हें राजधानी सियोल के गवर्नर के हवाले कर दो। सर, जैसा आपका आदेश। मेजर कुकीरा। यस जनरल सर। तुम्हें पता है इस रिपोर्ट के मुताबिक हमने माउंट एविलॉन पर दुश्मनों को पकड़ने के लिए अपने आर्म फोर्स को भेजा था, जिसमें से एक टुकड़ी गायब हो गई और एक महीने बाद वो वन विभाग के लोगों को गंभीर हालत में मिले थे। तुम्हें पता भी है कि वो किस जगह मिले थे और कब मिले थे। यह हमें कमजोर साबित करता है। पूरी डिटेल्स क्यों नहीं इसमें। सर, हमने कोशिश की थी पर अब तक कुछ पता नहीं चला। निश्चित ही यह बहुत सीरियस मैटर है। उनकी लाश छोटे छोटे टुकड़ों में पाई गई थी। आखिर ऐसा माउंट एवलॉन पर कौन कर सकता है। मुझे नहीं मालूम सर, माफ करें। ठीक है, एक बात बताओ, तुम माउंट एवलॉन के उस टाइगर किंग को पकड़ सकते हो या फिर तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। फिक्र ना करें। बाघों का शिकार करना दूसरी जगहों पर गैर कानूनी घोषित है और यहां के कोरियन भी नहीं चाहते कि बाघों को खत्म किया जाए। कोरियन होने के नाते शायद तुम भी यही चाहते होगे और इसी वजह से कोरियन टाइगर्स को खत्म करने का हमारा मिशन कामयाब नहीं हो पा रहा है। कुछ समझ रहे हो तुम। हमें माफ करें जनरल सर, पर हम पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तुम इसी काम के लिए इस पोजीशन पर हो, इस पोस्ट पर हो। そうでなければこの責任は当然のことだが、他の意図もあったのではないかという調査も受けなければならなくなる。閣下、他の意図とは。結局貴様も朝鮮人だということだ。だが余計な疑いをかけられたくないのであれば、早急に奴を捕まえろ。当初奴を捕まえてくると自ら志願したのではなかったのか。मुझे वो टाइगर किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम्हें पता है ना, मैं ना सुनने का आदी नहीं। जी बिल्कुल सर, मैं समझ गया। बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना? देखा, जो मत है उसका निशान भी मिल गया। अरे बाप रे, देखो पंजों के निशान से लगता है कम से कम 400-500 किलो का होगा, है ना? और ये शावकों के निशान है। दो बच्चों के साथ मां, लेकिन उस बाप का कोई सुराग नहीं है। वो भी यही कहीं होगा, अपने परिवार से ज्यादा दूर नहीं जा सकता वो। टाइगर्स कभी अपने पीछे निशान नहीं छोड़ते, पर नसीब से हमें उनके पंजों के निशान मिल गए। हाँ, यहाँ आसपास कोई झरना है? हाँ, लगता है यहीं से उनका पानी पीने जाने का रास्ता है। हाँ, मतलब वो कल भी यहीं से आएंगे। यहीं घेराबंदी करते हैं। ठीक है, यहाँ जाल बिछा दो, घेराबंदी करते हैं। हाँ, हाँ। हाँ।
야, 이거 번팔았는데 이거. 이번엔 진짜 나 다 날락하는 것 같은데. 에? माउंट एवलॉन से उस टाइगर की कोई खबर मिली? नहीं सर, अब तक तो नहीं। मुझे जल्दी ही वो टाइगर चाहिए। लियो शेंग को लाए हैं सर। कहाँ है वो? अंदर, अंदर ही है वो। तो अब तुम दिन में भी पीने लग गए? हाँ, खाने के साथ थोड़ी पी ली। वैसे भी पीने का कोई टाइम थोड़ी होता है। लियो शेंग, तुम मेरी बात को मान लो, फायदे में रहोगे। बार बार वही बात बोल रहे हो। मुझे कितनी बार ये कहना पड़ेगा कि मैं शिकार करना बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। अब तो मैं जंगल में जाता हूँ सिर्फ जड़ी बूटी इकट्ठी करने। ये देख लो, अब तो मेरे हाथ भी कांपते हैं। देखो, तुम शिकार नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम हमें उसकी मांग तक पहुंचा दो बस। देखो, बात सुनो, तुम पहाड़ों के राजा को उकसाने की कोशिश कर रहे हो, जो ठीक नहीं है। देखो, तुम कोरियन हो और ये जानते हो कि शौक के लिए शिकार करना गलत है। किसे कोरियन बोल रहे हो तुम? मेरी बात तुम्हारे भेजे में नहीं जाती? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन बुड्ढे, ठीक से सोच ले। तुम्हारे पास अब भी मौका है, फायदे में रहोगे। कुछ समझे? बाबूजी, अरे इतनी ठंड है बाहर, तू यहां पर क्या कर रहा था? मैं आपके आने का ही इंतजार कर रहा था बाबूजी। किस लिए? मैं कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ने गया था? बाबूजी, मुझे एक बात बताइए, जब जापानी आपसे शिकार के लिए कहते हैं तो आप मना क्यों कर देते हैं? तुमसे ये सब कौन बोला? आपको तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है, पर मुझे सब कुछ पता चल जाता है बाबूजी। पागल है तो एकदम, चल चुपचाप घर चल। जो मत आई, अब इसको तकलीफों से मुक्त कर देते हैं।
이놈 자식이 말을 하면은 내 직감 가서 싸라 했냐 안 했냐? 귀찮아서 그래요. 귀찮긴 이놈아, 뭐 직감이 500리 바깥에 있어요 앞에 있잖아. 이거 다 걸음 주는 거요, 걸음. 걸음 이 자식아, 네가 무슨 농사를 짓냐? 어? 뺀질뺀질 쳐갖고 놀기만 하는 놈이. 왜 안 끊어? 뭐 하는 거예요 지금? 되잖아요. 아이고 싸네. 이게 다 아버지 닮아서 그런 거요. 지랄하고 잡혀서 뜨거운 물 받아놨으니까 어여 가서 씻어. 야 알고쇼. 애법 싫어요 지가. 사내 자식이 가고 내려 터져가지고 뭐했으냐? 아 사내 뭐 꿀이라도 발라놨슈? 뭐가 그런 급하대요? 이 애비가 늘상 말 안 하냐? 산에서 뭐라도 얻으려면은 산짐승들보다 더 부지런해야 쓴다고. 그 아버지 나가 늘상 말 안 해요. 아 이젠 시대가 시대니까 몸보단 뭘 써야 한다고. 니 깐놈이 말 뭐 쓸머리는 되고? 아버지! 아, 왜 자꾸 불렀어, 이놈아? 이 애비가 죽었냐? 그러니까. 아니, 우덜도 이런 돈 안 되는 약초 고만 캐고 여기 저기다 얼마나 착 깔아놓고 오늘 실수 됐는데 거두기나 합시다. 아, 이라고 부진을 떨어봐야 헌일이요. 몸만 피곤하다니까. 야, 이놈아. 그러면 쓰냐? 응? 옮은 눈깔이 없는디. 잡을 놈만 잡는 것이 산에 대한 예의인겨. 응? 뭐든지 그러고 쓸데없는 욕심이 들면은 안 되는겨. 응? 그러다 이놈아 반드시 탈락이 돼 있어. 그러시겨. 산이 무슨 예의를 안다고 또 뭔 또 예의까지요 예의는. 아 이 산이고 저 산이고 외놈들이 설치는 통에 이미 산짐승들이 씨가 말라가자뇨. 근데도 그 외놈들은 잘만 먹고 잘만 사는구만요. 주댕이 그만 털고 한놈 쫓아와라.
나 못 본 거지. 아 같이 좀 가요. 다리 아픈 거 맞아요. 예. 이게 너무 잘못 해. 에서 नहीं होना चाहिए. चलो सब लोग पीछे हटो. 둘 रहो हटो पीछे हटो. 자로. 부처님 이 무이테 ください. 아, 나 포토 ले रहा हूं. 아프네 무제 yaad kiya. ye korean tawaj shikar dekhne hamare base tak pahunch gaye hain. ye aaj ki hamari kamyabi ki wajah se hai. लेकिन ये सिर्फ टाइगर किंग की जोड़ी और उसके दो बच्चे हैं. तो उसे पकड़ने का कुछ इंतजाम हुआ? उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है. वो बेहद ताकतवर और बिजली से भी तेज है. तो फिर किस बात के लिए तुम अपने आप को शिकारी कहते हो? हाँ, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं. गवर्नर जनरल मेजोनो इस बार उसे अपने साथ ले जाए बिना नहीं मानेंगे, इसलिए हमें उसे इस बार पकड़ना ही होगा. और अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर हमें अपनी नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. तो जाओ यहां से और जमीन आसमान एक कर दो और उसे पकड़कर ले आओ. समझ गए तुम? मैंने लियो शिंग से भी बात की थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हालत में हमारे साथ शिकार के लिए आएगा. उससे जबरदस्ती शिकार नहीं करवाया जा सकता. अगर वो नहीं चाहता तो मजबूर करना ठीक नहीं. आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए. मेरे पास एक तरीका है, पकड़ लूंगा मैं उसे. वे उड़िया, आयो, आ, तो कपड़ों की? आ, कब बोगी खंजे खंजे रंग वाली तो आ. 그래 사는놈이 몸이 부실하냐? 1년 내내 고프를 달고 사는구만. 그 몸 부실한 건 엄니 닮았나 비요. 그 엄니도 맨날 그러고 아팠다면서. 야 이놈아, 엄니는 너 낳느라고 생골이 빠져가지고 그런 거지. 뭐 원래부터 그랬냐? 또 약방에 내려가야 쓰겄다. 아이고. 그러면 내일 또 저자 내려가는 거요? 근데 안 하냐? 그럼 뭐가 이렇게 좋냐? 아니요, 뭐 좋아하긴 무슨. 내가 언제 좋아했다 그래요. 아니, 읍내에다가 꿀단지라도 숨겨놨어? 아, 꿀단지는 무슨, 뭔 뚱단지 같은 소리요. 아, 주무셔요. 뭐라고? 야, 뭐라고 하노? 뭐라고? 같은 말 두 번 시키지 마시오. 와, 그런 짓을 하는데? 어차피 길도 다 잡았겠다. 뭐 꼭 그릴 필요까지 있나? 그럼 우리가 좀이면 더 몰아보자. 시간이 없다 않아요. 그러고 끌어낼 방법이 있는데 뭐더라고 쫓아댕겨. 아, 그래도 이건 아니지. 방법이 좀 더럽다 아이가. 더럽고 자시고 어딨어? 우들이 언제부터 내키는 대로 사냥하고 댕겼어? 다들 밥 빌어 먹고 안 살 거야? 소리 지르지 않는 지랄.
아이고, 니 이래가 왜 살았노? 이 뭐고 이게? 보자. 아이고, 아프나? 아우, 여기 줘봐. 아니, 안 아프지? 아이, 내가 여기를 어때야 되는데? 여러 세리 뿐네. 에헤이, 자리 비구만. 말을 어지 사람 참. 아, 됐어. 저 뭔디 자식 저. 야, 이놈아! 착착 좀 먹어라. 이거 약이다, 야. 안 먹었는데? 입이 한 무적이야. 어이구, 이놈아. 야, 이번 거는 전부 자축구만. 이것이 그 몸을 뜨시게 한다는 그 약이요? 그 한 열첩 다리 무모 올겨울 탈 없이 낡기다. 먹고 또 서게 헤매기게. 고뿔인가벼. 아주 달고 사네, 살아. 어? 에이구, 참. 야. 아이고, 돈은 됐고 이걸로다가 한 몇 첩 더 지어주면 안 될까? 그래나? 안 될 게 뭐 있노? 아나. 무엇이 이러고만. 서게 몸만 몸이가. 네 몸은 세월에 장사 없다. 다리 관절에도 좋다. 아침 저녁으로 다리 업무라이. 아이고, 맞다. 네 상권님 얘기 들었나? 그 엊그제 그 보수대 아들이 그 상권님 새끼들이랑 그 짝을 떼매고 내려왔다 가더라. 나는 차마 그 안쓰러워서 그 두 눈 뜨고 못 보겠더만 동네 사람들은 다 받아 가네. 이거 해도 너무한가, 이가? 상권님을 그렇게 잡아버리면 늑대하고 이 산또야지들 행패가 억수로 심할긴데. 작작들 좀 하지. 아이고, 사람들 참. 근데 그 죽을 때 죽더라도 상권님 정도면 사실은 뭐 천번째 네 같은 명파한테 죽어야 여한이 없는 거 아이가? 실없는 소리 좀 하지 마. 나 가네. 와, 갈라고? 야, 이거 저 탁 좀 몇 번 더 세리고 가지. 저기 기다려. 야, 네가 잘 좀 들리라. 아저씨 찾겠다. 괜찮아. 뭐 먼저 올라가시겠지. 늘상 그랬으니까. 응, 그러나. 근데. 어? 오빠야, 니 계속 그러고 산에서 사는 기가? 어, 뭐 아버지가 그럴 것 같은 게. 아. 그렇나? 세상, 왜 그려? 우리 엄마가 아니다. 뭔디? 내 딴 데로 시집 보내려고 가는 거 없는데. 엄마, 그게 무슨 소리여? 너하고 나하고는 어릴 때부터 서로 짝지어준다고 칠구 아저씨랑 우리 아버지랑 철석같이 약속했다던디. 장결에 들었는데 저 자서 쌀장사하는 집에서 중신 들어왔다더라. 아줌니 왜 그런다냐. 너하고 나하고 사이도 다 아심서. 모른다네 도. 우리 우야만 졌노? 뭘 어쩌면 되는겨. 나가 뭘 어쩌면 되냐고. 내가 우야 너. 엄마가 오빠야는 좀 그렇다 안 하나. 뭐해 먹고 살긴지도 가까워. 산이야 내려오면 그만이고
아, 뭘 오긴 뭘 오냐. 아무리 나가도 밥 굶기겠냐. 모르겠다, 내도. 넌 어떤겨? 아, 확실히요. 나한테 시집올 맘 있는 게 없는겨? 그건 말이라카나. 내사 오빠야밖에 없지. 그러니까 이러고 얘기하는 거 아이가. 그럼 넌 걱정하지 마라. 나만 믿고 기생기면 되는 게. 오빠야. 그래. 믿고 조금만 기다려봐. 내 생각이 있으니. 아니, 그게 아니고 내 숨 막힌다. 이것 좀 놔봐라. 하여간 우리 오빠야 힘은 장사다. एविलॉन, एविलॉन की पहाड़ियां जैसा मैंने सुना था उससे भी विशाल, कितना शानदार है। तो उस टाइगर की एक ही आंख है क्यों? जी हां महामहिम, लोगों का यही कहना है कि वो टाइगर पैदाइशी एक आंख वाला है, वो सिर्फ एक आंख से देख सकता है। फिर भी अब तक वो तुम लोगों से मारा क्यों नहीं गया? कितना वजन है उसका? हमारे शिकारियों के मुताबिक उस टाइगर का वजन तकरीबन 500 किलो के आसपास है। क्या 500 किलो का? यानी दुनिया का सबसे विशाल टाइगर। कमाल है, सचमुच बेमिसाल। लगता है बर्फ गिरेगी। जो मथाई, अगर बर्फबारी होगी तो हम सब फंस सकते हैं। फिक्र मत करो, हम बर्फबारी शुरू होने से पहले ही उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन लगता है जल्दी ही बर्फबारी हो जाएगी। तुम्हें लगता है वो आएगा? हाँ आएगा, जरूर आएगा। अपने बच्चे की गंध मिलते ही वो भागता हुआ आएगा। ये जगह उसे बुलाने के लिए अच्छा है ना? यही जाल बिछा दो, चलो। इसके बाद क्या करेंगे? जाल यहां डालकर चले जाएंगे और उसे पकड़ने के लिए सुबह आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, रात में यहीं टेंट लगाकर उसके आने का इंतजार करेंगे। रात में यहीं रहेंगे? पर ठंडी से हालत खराब हो जाएगी। हाँ, कितना जिद्दी आदमी है।아니 아버지, 말로 해요. 처먹기 싫으면 아프들 말든가. 왜 안 봐도? 조금 아프고 싶어서 아픈 줄 아네. 잘 처먹으면서 지랄이 지랄이. 이벌려. 처먹고 얼른 들어가, 자빠져, 들어가. 그 아버지, 여기 상군님 짝하고 새끼랑 잡힌 거 아남?
그리고 상군님도 조만간 잡히겠지. 상군님 목에 걸린 상금이 설전타든지 누군지 땡겼겠소. 어차피 잡힐 거 아니여? 아버지랑 나가 함 잡아보면 어떨까? 우린 상군님 다니는 길목도 다 깨고 있을게. 좀만 더 독하게 마음만 먹으면은. 아따 그 아버지 생각은 그러고 보면은 나가도 무섭잖아요. 뭐 말도 못하나. 좋네. 뭐 들어가야 쓰겄다. 이거 그렇게 쳐다보고 그래요. 오셔요. ऐसा लगता है बर्फबारी होने वाली है. हाँ, तूफान आ रहा है. मथाई शायद नीचे के इलाके में बर्फबारी हो रही है. वहां क्या कर रहे हो? तुम्हें ठंड नहीं लगती? यहां आकर आग सेक लो. अजीब आदमी है, जब देखो ड्रामा करते रहता है. भगवान करे कि आज की रात बर्फ ना गिरे तो हम बच जाएंगे. बर्फ गिरी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी. आज बस आज की रात ये मनाओ कि बर्फ ना गिरे. एक बात बताओ, मैंने सुना है टाइगर किंग को मारने के चक्कर में उस्ताद मथाई का भाई मारा गया और उनके चेहरे पर निशान भी पड़ गया. और क्या, वो टाइगर हमेशा हम लोगों को मात देता रहा है, पता है तुम सबको. बड़ा चालाक है वो. चुप रहो. वही है. तैयार हो जाओ जल्दी. रुको रुको रुको. हे मेरे भगवान, ये तो भेड़िया फंस गया. उस टाइगर ने फिर चकमा दे दिया. इसका खेल खत्म. आखिर ये टाइगर की दहाड़ आ कहां से रही है? अरे बहुत ठंड है. क्यों जो मथाई, हमने खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अब आगे क्या करेंगे? इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? उस टाइगर किंग की मांद यही कहीं आसपास है और हम उसके बहुत करीब. इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल में कहीं भी छुप सकता है वो. उसे पकड़ना कोई हलवा है क्या? फिर भी टाइगर किंग का अपना अलग इलाका है, वो कभी भी दूसरे जानवरों के इलाके में नहीं जाता. ये इंसानों की तरह नहीं होते. तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती. यही वक्त है, हमें अभी लियो के पास चलना चाहिए. वहां क्यों? देखो बेवकूफी मत करो, उसने ना बोल दिया है ना, उसे परेशान करना ठीक नहीं है. इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है. फिर भी कहता हूं उसके बारे में मत सोचो, उसकी बीवी के मरने के बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया है. और यही तो सबसे बड़ी वजह है. तुम भी. मैंने एक बार कह दिया ना उसे मत छेड़ो, सब कुछ भूल चुका है वो. कुछ भी नहीं भूला है लियो,
हम दोनों उस टाइगर को मारकर इनाम जीतना चाहते हैं और इसके लिए हमें सब कुछ करना होगा। नमस्ते उस्ताद, बहुत दिनों के बाद मिले। सुनो ना, भेड़ियों को मारने पर भी बहुत पैसे मिलते हैं क्या? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। शिकार किए हुए हर जानवर के पैसे मिलते हैं, समझे? लेकिन जितने खूंखार जानवर को मारोगे इनाम उतना ज्यादा मिलेगा। अच्छा, और जो टाइगर किंग को मारेगा उसे कितना पैसा मिलेगा? जितना तुम सोच भी नहीं सकते। आराम से किसी बड़े शहर में बंगला खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो और शादी करके बच्चे पैदा कर सकते हो। बिल्कुल, टाइगर किंग को मारने वाले की जिंदगी बदल जाएगी। क्यों, उसे मारकर अमीर बनना चाह रहे हो? अरे नहीं। लौंडा तो सचमुच सपने देखने लग गया। ए, देख लौंडे, उसके बारे में सोचना भी मत। देख, तुझे पता है इसका घोड़ा कैसे दबाते हैं? ये कौन सी बड़ी बात है, आखिर एक शिकारी का बेटा हूँ, शिकार करना मेरे खून में। अरे वाह, सिर्फ एवलोन की पहाड़ियों में ही नहीं बल्कि एक आंख वाला टाइगर अब पूरे कोरिया में अकेला बचा है। उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। उस्ताद, हमारे साथ आ जाइए ना। भूल जाओ। जी उस्ताद। उसे मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ठंड के मौसम में उसका शिकार मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। पर काफी देर हो चुकी है, अब कभी भी बर्फबारी शुरू हो सकती है। बेहतर होगा अब ये सब बंद कर दो तुम लोग। तुम पहले भी जापानियों के साथ काफी टाइगर्स मार चुके हो, अब क्या चाहते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने मारा? कोरियन बेवजह बंदूक नहीं उठाते। शिकारी शिकार के अलावा करेगा भी क्या? शिकार नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। अगर आप इस टाइगर को मारना नहीं चाहते, बस हमें उसकी मान तक ले चलिए। एक आप ही हैं जिसे उसका मांद पता है। आप हमारे साथ चलिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। उस्ताद, ज्यादा सोचिए मत, चलिए हमारे साथ। मुझे नहीं करना। वैसे भी वो मारा जाएगा, अगर हम नहीं मारेंगे तो कोई दूसरा मार देगा, तो क्यों ना हम ही मारे। और वैसे भी जड़ी बूटी चुनने से क्या मिलेगा? बोलिए उस्ताद, आपको पैसे अच्छे नहीं लगते क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों ने काफी बातचीत कर ली, अब तुम लोग फौरन चले जाओ। पर उस्ताद, ये कहना चाहता था कि मतलब। यही मतलब था, इनकी बीवी उसी कमीने की वजह से मरी। बंदूक इन्होंने चलाई पर। बताई, चुप नहीं रह सकते। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या मैंने कुछ गलत कहा? उस्ताद, वो आपकी गलती नहीं थी, सब उसी की वजह से हुआ है। चुप हो जाओ उस्ताद। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हाँ उस्ताद, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ से जाते हैं। सेवक ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा, चुप नहीं रह सकते। तो हम चलते हैं। उस्ताद, एक बार फिर सोचना। चलो उठाओ सब, चलना है यहां से। चलो, ए, आ जाओ। क्या आप लोग जा रहे हो? हाँ हाँ, हम लोग जा रहे हैं, चलो ना। सेवक तुम अंदर जाओ, बहुत ठंड है, बाबूजी का ध्यान रखना, ज्यादा ना पिए। पहले आ जा, पहले आ जा।
저기, 네가 올해 몇이냐? 16이요. 왜요? 아니다. 아버지 잘 챙겨. पीछा करने वाले उसे गलत दिशा में ले गए। वो आपके घर की तरफ गया है। ये वही एक आंख वाला टाइगर किंग है। उस्ताद जल्दी चाहिए, जल्दी कीजिए, उसे खत्म कर दीजिए, वो खूंखार हो गया है। जाइए। क्या हुआ, इतनी देर से चुप क्यों है? अगर कुछ बोलना है चाहता है तो बोला। वो टाइगर किंग के बारे में, मेरा मतलब है आपने उन लोगों को मदद करने से मना क्यों कर दिया बाबूजी? आखिर वो आपको इनाम में से हिस्सा तो दे ही रहे थे ना। हम भूखे मर रहे हैं क्या? सारा मैं हो भाई नुमा मारियो। 그게 아버지가 싫은 말이요. 아버지 뭐... 나 जानता हूं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं उनके साथ शिकार पर जाऊं तो कैसा रहेगा? बकवास बंद कर अपनी, वरना तेरे बाल लौचूंगा मैं।
वो तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है। जो मन में आए बोलता चला जा रहा है। आखिर तुम मुझे हमेशा बच्चा क्यों समझते हो बाबूजी? क्यों? मैं शिकार नहीं कर सकता, मैं भी शिकारी का बेटा हूँ, तो मैं शिकार क्यों नहीं कर सकता? क्यों? वो फूसते का इल्बुन नम्जा आप ते भी रसो यू? आनी औचा पिच्ची कुं वैनम दो सेसांग आनी यू? अब वैनम दो सेसांग इस वैनम दो राखो इरा नम्यों मो मो कुसार क्यों? मेरी बात सुन बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ। कब तक जंगली की तरह रहेंगे हम? तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली। बांग मालू दागा अबोजिन छोड़ मुझे जल छोड़ मुझे जल था भूने सिंके इरा को पुट्टे तो छाजी को सांदा को छोयू। मैं क्यों जीऊँ ऐसी जिंदगी? मैं क्यों ऐसे जंगली की तरह जिंदगी जीऊँ बाबूजी? मैं भी और लोगों की तरह शहर में अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह पहाड़ों में नहीं रहना मुझे। बहुत जबान चल रही है तेरी। ये नहीं है, तू ये नहीं करता हूँ। बाबूजी, अम्मी कैसे बोले को जेसुरो से करने को 지도 다 이해는 한다고요. 네가 그걸 어떻게? 마을 사람들도 다 아는 얘기잖아요. 지도 귀는 뚫려 있으니까요. 그래도 이젠 아니에요. 지는요, 더는 일하고 못 살겠어요. 저기 말도 맞지 뭐. 어린 게 뭔지요? 네. 저기 없으면 힘든 거 아는데 어차피 죽을 때까지 끼고 있지는 못할 거 아이가. 들리는 소리가 둘이가 그렇게나 좋아한다는. 이참에 그냥 해치워보지. 혼사비는 내가 용통해 줬구만. 안 그래도 그 칠고체가 그 딸님이 중심 나달라고 여기저기 수치고 댕긴다는데 벌써 뭐 혼담이 오가는 데도 있는 것도 없고. 하지 말고, 어? 오늘 바로 가봐라. 칠고체가 생선을 그리 좋아한단다. 내 말 들어라. 일이 벌써 그렇게 돼버렸어. 뭐 그짝에서 우리 선의를 그래 원하는데 왜 하겠는겨. 뭐 이래저래 생각할 것 없이 그러기로 했지. 선의 아버지한테도 어제 포스대 가가 얘기 끝냈지. 선의 아버지도 그러자 그러대. 그렇구만요. 아, 누가 봐도 당연한 거 아닙니까? 뭐 석이야 잘 때 봐야 또 포스를 낀데 암만 해도 뭐 포스 마누라보다야 쌀집 마누라가 훨씬 낫다 아닙니까? 뭐 재수 씨 고생한 것이야 뭐. 내가 잘 아니께. 그래도 막내라 뭐 애법 신경이 쓰이대. 얘 그거 하나라도 잘 좀 살았으면 해가. 그러요. 내가 그만 모르겠어. 이게 뭔 일이고 이게. 임마 이게 돌았나. 만 오고 빨리 안 오고. 보시야. 절대로 안 된다 걔라. 어? 만덕 형이 마시면 뒤로 넘어간다. 엄마 빨리 돌려보내버라. 알았지? 알았지?
포수 새끼가 포수되는 것이 뭐가 잘못됐어? 뭐라고? 난 10살 먹어서부터 포수질이었어. 야, 네 담대해라. 어? 만대기 형님, 전마 아이에서는 벌써 죽었다. 행수 그래도 예쁘고, 인마. 전마 아이에서 우리 형님 죽었다고. 알제? 네 포수질 한다고 다 잘못돼요? यहां शिकारियों को हम अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं और एक बार भर्ती हुए तो तुम्हें हर काम सेना के नियम से करना होगा। बिल्कुल, मैं यहां के नियम से चलूंगा और मुझे पता है कि मुझे इसके लिए तनख्वाह मिलेगी, फिर टाइगर किंग को पकड़ने का इनाम अलग से मिलेगा। ठीक कहा ना मैंने? क्या तुम बंदूक चलाना जानते हो? बिल्कुल सर, मैं एक शिकारी का बेटा हूं और मेरे बाबूजी पूरे कोरिया के अव्वल शिकारी है सर। ये हमारे जवानों का 38 राइफल है। ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। अब जा सकते हो। जी सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसने कहा कि इसे टाइगर किंग की मात पता है। इस बच्चे को क्या पता होगा, ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी के आसपास वाला इलाका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा आ गया है तो बाप भी आ जाएगा। तुम लोग मिशन पर निकलो। बिल्कुल। ये नहीं करना चाहिए था। तुम बस अपना काम करो। पर ये खतरनाक है मथाई, वो अभी बच्चा है, कुछ नहीं कर पाएगा। जरा सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि सेवक को मैं शिकार पर लाया हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ये लियो को शिकार पर लाने के लिए किया गया है। सेवक हमारे साथ आ गया तो लियो भी भागता हुआ आएगा। और अगर ये सेवक के साथ कुछ हो गया तो तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है तो इसे यहां से ले जाओ और इसके बाप को लेकर आओ। लगता है इसका दिमाग पूरी तरह हिल गया है, पागलों की तरह बात कर रहा है ये। सेवक इधर आओ। हाँ? तुम अब हम लोगों के पीछे मत आओ, वो शोर मचाने वाले लोग हैं ना, उनके साथ जाओ। लेकिन मैं उनके साथ शिकार कैसे करूंगा? तुम उसका शिकार नहीं कर पाओगे। वो कोई मामूली टाइगर नहीं है, बहुत बड़ा ताकतवर टाइगर है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाबूजी हमें नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात समझ गए? हाँ।
ये राइफल सिर्फ लटका कर रखना, इससे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सबके पीछे पीछे ही चलोगे, समझे? ज्यादा बहादुर मत बनो, समझ गए? हाँ। समझे कि नहीं? समझ गया। जाओ।대답을 하러. 어디 안 겨? 서가! 어디로 안 겨? 서가! 대안! 거기 또 쟤 빡래가 아이. और तुम्हें तो उसका मांद भी मालूम है। अगर तुम नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं शिकार क्यों नहीं कर सकता? क्यों? मैं एक शिकारी का बेटा हूं, मेरे बाबूजी कोरिया के अव्वल शिकारी हैं। मून, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा। हाँ? जब तक वो नहीं आता, यही इंतजार करो, वो आएगा, जरूर आएगा। पीछा करने वाले उसे भगा कर यहां लाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने।
लगता है वो पकड़ा गया। चलो आखिर कहां गया वो? हमें वहां चकमा देकर यहां आ गया, हमें उसका पीछा करना होगा। साला कमीना। उस्ताद, उस्ताद। सेवक? उस्ताद, मेरे मेरे सीने पर चोट लगी है। बाबूजी को बुला दीजिए ना। सेवक बुला लीजिए। ठीक है, मैं जाता हूं और उन्हें जल्दी लेकर आता हूं। तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहीं पर रहना, ठीक है? डरना मत। जल्दी आता हूँ ना, तुम घबराओ मत, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे बाबूजी को लेकर आता हूँ। चालाक निकला, क्या दिमाग है उसका। ताजा खून है, मतलब वो घायल है।
बहुत ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। अब तेरा खेल खत्म खत्म। जहां छुपना है छुप, तेरी खोपड़ी में गोली, मैं ही मारूंगा। अब तू किसी भी हालत में मुझसे बच नहीं पाएगा। नहीं, सेवक कहां है? सेवक कहां गया? तुमने सेवक को देखा? हा? किसी ने देखा क्या उसे? मैंने तो नहीं देखा। तुमने देखा क्या? हे भगवान, मुझे सेवक को ढूंढना होगा, मुझे सेवक को ढूंढना होगा। कोई फायदा नहीं है, भेड़िया से उठाकर ले गए होंगे, उसे भूल जाओ यही बेहतर है। हे भगवान, ऐसा मत बोलो, बेचारे उस्ताद का क्या होगा? हे भगवान। चलो सब नीचे चलो, बर्फबारी होने वाली है, जो गया सो गया। कमीने, मैंने तुझे कहा था ना सेवक को वापस भेज दे। हाँ? अब क्या करेगा तू? उसे वापस लाएगा क्या? बोल। वो खुद शिकार पर आया था, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। कमीने कहीं के, अपने स्वार्थ के लिए तूने दांव खेला। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उस्ताद बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? सेव कहाँ है बताओ? नहीं,
तुम्हें और सैनिक चाहिए। जी सर, वो टाइगर बुरी तरह घायल है। मेरी बात मानिए, उसे खत्म करने का यही सही मौका है। लेकिन हमारे जितने शिकारी बचे हैं नाकाफी है। लेकिन हमें और सैनिक क्यों चाहिए? वो टाइगर किंग पहले से ही घायल है। घायल है पर उसे मारने के लिए और सैनिक चाहिए ही। उससे भी क्या होगा, तुम्हें आर्म फोर्स की जरूरत होगी। यस सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सर, ये काम आम सैनिकों से नहीं होगा। सही बात है, उन्हें पहाड़ की चढ़ाइयों का पता होना चाहिए। ठंड का मौसम है, बर्फबारी और ज्यादा शुरू होने से पहले हमें उसे पकड़ना ही होगा। बिल्कुल ठीक। दुश्मनों को खत्म करने के लिए जिस आर्म्ड फोर्स को एवलॉन पर भेजा गया था उन्हें सब पता है। मैं उन्हें भेजने का आदेश देता हूं। लेकिन महामहिम, मथाई सही कह रहा है, टाइगर किंग का शिकार आम शिकारियों के वश की बात नहीं। वो आखिर बागों का राजा है और राजा को सम्मान देना चाहिए, इसलिए उसके सम्मान में हम अपने खास सैनिक भेजेंगे। हम तुम्हें सैनिक देंगे।
अरे वाह उस्ताद, तुमने तो कमाल कर दिया। इन पिद्धों के तेवर तो देखो, ऐसे गुर्रा रहे जैसे जिंदा खा जाएंगे। इन्हें अब मैं मारता हूँ। पिद्धों, अपनी माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो जा। क्या कर रहे हो उस्ताद? नहीं, बच्चों को नहीं उस्ताद, हमें जीने के लिए इन्हें मारना जरूरी है। कितने सालों के बाद तो टाइगर का शिकार करने का मौका मिला है। अगर इसका शिकार नहीं करेंगे तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? वो भूखे मर जाएंगे। पता है, एक को मार दिया है ना, अब बच्चों को नहीं। अरे ये क्या, टाइगर को मार दिया? ये तो कमाल हो गया। शुक्रिया बंदे भी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद ने टाइगर को मार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बंदे भी। देसी सुअर? गांव तो दो पहाड़ों के बाद है, ये टाइगर इतनी दूर जाकर देसी सुअर को पकड़ कैसे लाया? उस्ताद, ये तो अभी बहुत छोटे हैं। टाइगर तो टाइगर है, छोटे हो या बड़े, अगर हमने इन्हें मार दिया तो बहुत पैसे मिलेंगे। क्या तुम ये नहीं चाहते कि हम इन्हें मारकर और ज्यादा इनाम जीते? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था उस्ताद। वैसे भी ये पिद्दे भेड़ियों के दावत बन जाएंगे, इससे अच्छा है हम ही इन्हें ले चलते हैं। पकड़ो, ले चलो। उस्ताद मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहा ना, बच्चों को नहीं मारना है। इनकी जिंदगी का फैसला इन पहाड़ों को करने दो।
बात कर बेटा, तो ऐसे ऐसे कैसे चुप हो सकता है? बसे बात कर मुझसे, ठंड है, बहुत ठंड, चल अंदर चलते। क्या रहा है? उस शिकारी के मुताबिक वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, और नजदीक ही उसका डेन भी होना चाहिए यहाँ कहीं। टाइगर किंग का शिकार करने का तरीका भी नया होगा। साउथ चाइना में सोल्जर्स इसी परंपरागत तरीके से शिकार करते आए हैं। सबसे पहले छुपने वाली जगह को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर दो, फिर उसके इलाके पर अटैक करो। मिशन शुरू करो।
जानता था वो जरूर आएगा। सुनो, अगर उसका नाश्ता नहीं बना तो मेरे साथ आओ।
आखिरी दावत, क्योंकि अब तू मेरी दावत बनने वाला है। इसी के लिए तुम इतनी सेना लेकर आए थे? हाँ? अब मैं मारूंगा इस टाइगर को, कोई और नहीं सिर्फ मैं। मैंने मार दिया। चलो चलो, आओ जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी उसके गले में डालो, पकड़ो उसे, डालो जल्दी। ये सिर्फ मेरा शिकार है। आखिर घुटने टेक ही दिया। मताई, तुम्हें क्या हो गया? मताई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मताई, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। मताई, मताई, उठो। क्या नाम कुछ होगा? कुछ बोलो ना मताई। हाँ, मैं हार गया। तुम जाओ,
मेरी चिंता मत करो। पांते सुरागो। यहां कैंप सेटअप करो, हम उसका पीछा करेंगे। कैसे भी उसे पकड़ना होगा। लेकिन महामहिम, जब तक हम उसे नहीं पकड़ लेते हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। तैयार हो जाओ। यस सर। उठ। लियो शेंग को जल्दी से जल्दी यहां लेकर आओ। हमें टाइगर किंग को खत्म करना है, उसे यहां जल्दी लेकर आओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, समझ गए तुम? भगवान, अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? Oh.
원망하는가? समझ गया। सेहोक, अलविदा मेरे बच्चे। मतलब वो यहीं पर है, तो फाइनली हमने उसे घेर ही लिया। टुकड़िया बनाकर पहाड़ को घेर लो। यस सर, तैयार है। इतनी विशाल सेना के लिए भी टाइगर किंग को पकड़ना आसान नहीं है। हमारी सेना के लिए शर्म की बात है। जो भी हो टाइगर किंग, तू तो मरेगा। संभाल के।
उस्ताद ऐसा नहीं हो सकता। ए, ए, रुको कहां जा रहे हो? पहुंचने वाले हैं बिल्कुल करीब आ गए हैं। तुमसे पहले आया। तुमने देर कर दी। साथ में
ये क्या? ये कैसी आवाज है? दूसरे को खत्म करते हैं। उस्ताद, मैं उस्ताद। अब जल्दी करो। गायब हो गया। हाँ, सच बोल रहा हूं, वो दिखाई दिया पर ना जाने कहां गायब हो गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर वो हवा में कैसे गायब हो सकता है? हाँ, मैंने सुना है पहाड़ी बागों में दैवी शक्ति आ जाती है, शायद वो भी दैवी शक्ति वाला बन गया होगा और फिर गायब हो गया होगा। What nonsense you are talking? जनरल सर, अब हमें आगे क्या करना है? जेवलॉन, हम इस कड़ाके की ठंड में तुमसे नहीं लड़ सकते। ठंड खत्म होते ही हम वापस जरूर आएंगे। होल्ड द मिशन। यस सर। एश, हम वापस आएंगे। यस सर। अरे बरखुरदार, तुम और भाभी बहुत खुश रहो, खूब खुश रहो और जल्दी से हमारे लिए भतीजों की फौज खड़ी कर दो। कितनी अच्छी जोड़ी है ना। Thank you.
सच कहते हैं, जानवर चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना, पर रिश्ता निभाना वो बखूबी जानता है। टाइगर किंग और लियो शेंग के इस अद्भुत रिश्ते की मिसाल सदियों तक दी जाएगी।